All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of of it may be reproduced or copied without the permission of the permission copyright holder. राइट होल्डर स्वागत है आपका एस के चैनल पे। मैं श्रेयांस कोठारी दोस्तों लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार किताब दोस्तों जो कि वर्बल एंड नॉन वर्बल के लिए एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही, बहुत ही बढ़िया किताब है इस किताब में इस बुक के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए सफिशियंट रहेंगे दोस्तों हम उस बुक के चैप्टर बाई चैप्टर सोल्यूशन करवा रहे हैं और यहां आज जो मैं लेके आया हूं दोस्तों फर्स्ट पार्ट के सेकंड सेक्शन के थर्ड चैप्टर पे लेके आया हूं दोस्तों थर्ड चैप्टर है हमारा स्टेटमेंट्स एंड अजम्पन दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग का ये पार्ट है लॉजिकल डिडक्शन हमें करना होता है बेसिक बताते हैं आपको कि क्या है ये स्टेटमेंट एंड अजम्पन जम्पन का मतलब होता है कोई भी चीज जो आ, उसको हिंदी में हम कहते हैं पूर्व धारणा कोई भी ऐसी बात जो मैंने कही आपने सुनी या हमने कहीं लिखी इस बात को लिखने से पहले इस बात को कहने से पहले क्या पूर्व में धारणा बनाई गई होगी यानी कि इसके बारे में क्या सोचा गया होगा उसे कहते हैं पूर्व धारणा ये हमेशा आपको याद रखना है नाम इसका अजम्पन है अजम्पन वर्ड बनाए अज्यूम से लेकिन आपको अज्यूम कुछ नहीं करना है आपको अपनी मर्जी से कुछ अज्यूम नहीं करना है आपको स्टेटमेंट को देखना है कि स्टेटमेंट में क्या ऐसे वर्ड्स हैं जिससे आपको पता चल सके कि क्या बात को अज्यूम करके ये स्टेटमेंट कहा गया होगा तो उसे कहते हैं पूर्व धारणा दोस्तों कुछ क्वेश्चन करेंगे ना तो अपने आप चीजें क्लियर होती चली जाएंगी देखिएगा एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन का एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आया हूं चीज को आराम से समझिएगा पहले तो डेफिनेशन एन अजम्पशन इज समथिंग सपोज्ड और टेकन फॉर ग्रांटेड दैट इज अ फैक्ट दैट कैन बी एक्सेप्टेड एज ट्रू ऑन कंसीडरिंग द कंटेंट्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट जो आपको गिवन स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को देखते हुए आपको कौन सी चीज एकदम ट्रू लग रही है ट्रू लग रही है मतलब आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है आपको मैंने एक बात बताई कि स्टेटमेंट के पीछे की धारणा क्या है कौन सी चीज सोची गई होगी तब यह स्टेटमेंट कहा गया होगा एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं आपको बहुत सारी चीजें इस से क्लियर हो जाएंगी आप देख सकते हैं इन रूम नंबर आर फोर दोस्तों आर फोर एक रूम नंबर है उसमें क्या हुआ ऑफ आफ एन ऑफिस ऑफिस का रूम नंबर आर फोर मैनेजर ऑर्डर मैनेजर ने ऑर्डर दिया टू तो स्टिक द पोस्टर किस चीज का पोस्टर स्टिक करने को स्टेक होता चिपकाना उसको कहा कि भैया नो स्मोकिंग का पोस्टर चिपका दो अब क्यों कहा होगा उसके पीछे की क्या धारणा रही होगी एक चीज क्लियर कर देता हूं दोस्तों हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये वो कंपटीशन एग्जाम है जहां पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप से मेरा मतलब है कि ऑप्शन गिवेन होंगे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपको अपनी मर्जी से अजम्पन नहीं देना है आपको सिर्फ यह देखना है कि नीचे जो भी अजम्पन दे रखे हैं वो फॉलो कर रहे हैं क्या वो इम्प्लिसिट है क्या वो आपके स्टेटमेंट से मैच कर रहे हैं क्या बस इतना ही देखना है तो सबसे पहला वाला अजम्शन देखते हैं अर्लियर देन इससे पहले सम पीपल यूज टू स्मोक इन द रूम नंबर आर फोर अब आप सोचेंगे ये अभी आप कैसे कह सकते हैं ये कैसे कह सकते हैं कि पहले इससे पहले आ, रूम नंबर आर फोर के अंदर कुछ लोग स्मोक करते थे नहीं कह सकते ना लेकिन सोचिए जरा अगर वहां स्मोक नहीं करते लोग तो मैनेजर इस बात पे क्यों दिमाग लगाता कि वहां नो स्मोकिंग का बोर्ड लगाना है यानी उससे पहले कुछ लोग करते थे अब नो स्मोकिंग का बोर्ड लग जाएगा और अब नहीं करेंगे यानी कि पहला वाला आजमशन बिल्कुल सही अजम्पन है यह अजम्पन रहा होगा तभी स्टेटमेंट कहा गया होगा अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक और नंबर बी देखते हैं फ्रॉम नाउ अब से क्या होगा पीपल विल नॉट स्मोक इन द रूम नंबर आर फोर अब देखिए दोस्तों गारंटी तो कोई लेगा नहीं कि यार अब ये स्टिक कर दिया है अपन ने पोस्टर अब नहीं होगा स्मोकिंग एक चीज बता दो दोस्तों हम यहां जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो अजम्पन है प्रिडिक्शन है हमें कल क्या होगा उसको प्रिडिक्ट नहीं करना है हमें एक्चुअली क्या सोचा गया होगा उसको देखते हुए अजम्पन करना है बात को समझिएगा का मतलब है पूर्व धारणा और पूर्व धारणा का मतलब है आपको जो भी स्टेटमेंट कहा गया या जो भी बात कही गई उसके पहले क्या सोचा गया एक सिंपल सा लॉजिक अभी से दिमाग में लगा लीजिए कि अगर कोई ऑर्डर दिया जा रहा है अगर कोई ऑर्डर दिया जा रहा है दैट मींस उसके पीछे का अजम्पन तो यही है कि ऑर्डर फॉलो किया जाएगा सिंपल है भाई मैंने ऑर्डर क्यों दिया मैं क्या सोचूंगा ऑर्डर फॉलो करेंगे एक्चुअल में क्या होगा सही में क्या होगा उससे मतलब नहीं है क्या यह बात समझ आ रही है तो डेफिनेटली जब ये नो स्मोकिंग no का पोस्टर चिपकाने का ऑर्डर दिया है सिंपल सा मतलब है अब से जो लोग हैं ना वो स्मोकिंग नहीं करेंगे उस रूम में सी तीसरा कह रहा है इवन आफ्टर दिस नोटिस अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल विल स्मोक इन द रूम आर फोर नोटिस लगाने के बाद भी कुछ लोग जो है वहां स्मोकिंग करेंगे देखिए दोस्तों एक्चुअल में क्या होगा मैं और आप नहीं जानते हमें नहीं पता कि स्मोकिंग का नो no स्मोकिंग का बोर्ड लगाने के बाद कितने सारे लोग या कुछ परसेंटेज लोग ये करेंगे मुझे सिर्फ अजम्पशन की बात करनी है का मतलब क्या अज्यूम किया गया होगा जिस मैनेजर ने ये ऑर्डर दिया है वो क्या इसके बारे में सोचेगा कि भैया नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा दिया है फिर भी लोग करेंगे नहीं अगर वो ऐसा सोचता तो फिर वो बोर्ड लगाता ही क्यों लोगों को जिनको करनी है वो वैसे भी करेंगे यानी ये जो अजम्पन है ये हो सकता है शायद प्रशन हो तो तो नहीं नहीं है ऐसा तो नहीं करेंगे कि भैया इसके बाद भी अब तो स्मोकिंग की जाएगी यानी कि इसका आंसर आ जाता है ए एंड बी ये दो ऐसे अजम्पन हैं जो इंप्लेट हैं फॉलो करते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो आपको बेसिक समझ आया होगा इसका थोड़ा सा एडवांस चलते हैं इसी क्वेश्चन को सेम तरह मतलब सेम क्वेश्चन को सिमिलर रख के हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर दे परिवर्तन कर देते हैं देखिए किस तरह का परिवर्तन किया है? हमने एकदम सिमिलर फैशन uh, का एक क्वेश्चन सेम लाइन पर चल रहा है ऐसा क्वेश्चन लेके आया देखिए क्या कह रहा है स्टेट पुलिस यानी राज्य सरकार की जो पुलिस है राज्य पुलिस है हैज पब्लिश एन किया है, हर इंसान के लिए जो टू व्हीलर ड्राइव करता है या उसके पीछे की तरफ बैठता है मस्ट बियर हेलमेट हेलमेट पहनना जरूरी है एक दिसंबर 2021 से अगर वो नहीं पहनेगा देन ही और शी इज लाइबल टू पेनल्टी अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा क्या यह बात समझ आ रही है अर्लियर देन दिस से पहले सम पीपल डिड नॉट यूज टू वीलमेट वाइल राइडिंग टू व्हीलर भाई टू व्हीलर चलाने से पहले या टू व्हीलर बैठने से पहले इससे पहले क्या होता था हेलमेट नहीं पहनते थे कुछ लोग अगर वो पहनते होते तो हम इस तरह का नोटिस या एडवर्टीजमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती यानी ये तो डेफिनेटली रहा होगा कि भैया कुछ लोगों ने नहीं पहना होगा ठीक है ना अब बात करते हैं सेकंड की यानी पहला अजम्पन तो बिल्कुल सही है दूसरा अजम्शन कह रहा है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड अब से क्या होगा पीपल हे, हेलमेट वाइल्ड राइडिंग द सिंपल सी बात कह रहा है कि अब अगर कोई टू व्हीलर चलाएगा तो वो हेलमेट जरूर पहनेगा यही अजम्शन को देखते हुए तो हमने इस तरह का नोटिस दिया है यानी ये भी सही है मेरे भाई तीसरा कह रहा है इवन आफ्टर दिस नोटिस इस नोटिस के बाद भी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल विल नॉट बी अर हेलमेट वाइल्ड राइडिंग अ टू व्हीलर सिटिंग एट द बैक साइड इस नोटिस लगाने के बाद भी कुछ परसेंटेज लोग हैं जो कुछ प्रतिशत लोग हैं वो अब भी हेलमेट नहीं पहनेंगे बात तो ठीक ही लग रही है लेकिन आपको पिछला वाला क्वेश्चन याद होगा हमने जब इस तरह का नोटिस दिया हमें इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है तो अब ऐसा लग रहा है कि फिर नया क्वेश्चन क्यों दिया सर आपने फर्स्ट राइट right है सेकेंड राइट right है थर्ड तो रॉन्ग है जैसा पिछले में हुआ था लेकिन नहीं दोस्तों मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है पिछले वाले में और इस वाले में डिफरेंस क्या है वो समझिएगा इस वाले में सी राइट है अब सी राइट क्यों है आप कहेंगे साहब जब हम नोटिस दे रहे हैं एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं तो हम ये भला क्यों सोचेंगे कि कुछ लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे देखिएगा नोटिस को वापस पढ़ते हैं नोटिस में एक बात लिखी है जो लास्ट में जाके लिखी है हजार रुपए की पेनल्टी आपको नजर आ रही है हजार रुपए की पेनल्टी ये हजार रुपए की पेनल्टी जरा सोचिए किसके लिए होगी ये उन लोगों के लिए होगी जो इस नियम का उल्लंघन करेंगे जो रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे राइट यानी जब ये नोटिस बनाया गया होगा तो इस बारे में हंड्रेड परसेंट यह सोचा गया होगा कि कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो हेलमेट नहीं पहनेंगे वो पेनल्टी देंगे यानी इस बार जब पेनल्टी की बात आई यानी ऐसे कुछ परसेंटेज के लोगों के बारे में सोचा जरूर गया होगा पिछले वाले में ऐसा पेनल्टी के बारे में नहीं सोचा कि भैया यहां पे स्मोकिंग करने का पाँच सौ रुपए पेनल्टी है तो वहां इस बारे में नहीं सोचा हमने तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि अजमशन मेरा या आपका नहीं है मैंने और आपने क्या सोचा उससे कोई मतलब नहीं है मुझे केवल इस बात से मतलब है स्टेटमेंट का दायरा क्या है स्टेटमेंट की मर्यादा क्या है स्टेटमेंट का स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है बस वो बात अगर समझ में आ जाती है तो बहुत टफ नहीं है चलिए आगे देखते हैं कुछ और चीजों को समझते हैं एक्सरसाइज पहले कुछ कर लेते हैं दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स में लेके आया हूं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखिएगा ये आपकी एक्सरसाइज शुरू होने से पहले के कुछ एग्जाम्पल्स हैं पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स को पढ़ लेते हैं फिर कुछ और देखते हैं देखिएगा सेकेंड एग्जाम्पल कहता है बैंक ए हैज हैजनाउंस रिडक्शन ऑफ हाफ परसेंटेज ऑन द इंटरेस्ट रेट ऑन रिटेल लेंडिंग विद इमीडिएट इफेक्ट इमीडिएट इफेक्ट का मतलब होता है तुरंत प्रभाव से क्या किया उन्होंने लेंडिंग रेट लेंडिंग का मतलब है देना जनरली बैंक क्या देती है लोन लोन देने के ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट को कम किया गया है पॉइंट फाइव परसेंटेज राइट इसका क्या मीनिंग निकल सकता है इसका ये मीनिंग निकल सकता है कि अब सस्ता लोन मिलेगा पहले दस परसेंट के टेन परसेंट के इंटरेस्ट पे मिलता अब शायद नाइन पॉइंट फाइव परसेंट के इंटरेस्ट पे मिल जाएगा यानी इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा यानी संभावना है कि लोन ज्यादा लेने लग जाए लोग ये बेसिक चीजें दिमाग में आती है ये आपको सोचना था लेकिन इसके पीछे का अजम्शन क्या है वो देखते हैं पहला कह रहा है

बैंक ए मे बी एबल टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर फॉर अवेलिंग रिटेल लोन्स दोस्तों किया क्यों है आपने कम आपने कम इसलिए किया है कि ज्यादा पैसे मार्केट में जाए ज्यादा पैसे मार्केट में कैसे जाएंगे जब आप ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेंगे राइट यानी कि ये जो सेकेंड वाला पार्ट है बैंक ए मे बी एबल टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स फॉर अवेलिंग रिटेल लोन्स बिल्कुल सही बात है परफेक्ट अजम्पन है सो आपको चीजें अब समझ में आ रही हैं धीरे 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 मुझे लग रहा है और अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो और अच्छे से आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे दोस्तों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस का इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें भी अजम्पन आते हैं चलिए एक और एग्जाम्पल दोस्तों एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या कह रहा है इवन विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शुगर फैक्ट्रीज इन इंडिया भारत में शुगर फैक्ट्रीज की बढ़ोतरी हुई बहुत ज्यादा बढ़ गई वी स्टिल कंटिन्यू टू इंपोर्ट शुगर हम अभी भी बाहर से शुगर मंगाते हैं आयात करते हैं क्या यह बात समझ आ रही है हम अभी भी शुगर मंगा रहे हैं तो आप सोचिए जरा ये स्टेटमेंट क्यों कहा गया पहला द कंजम्पन ऑफ शुगर पर कैपिटा हैज इंक्रीज इन इंडिया यस ऐसा हो सकता है कि ये अज्यूम करके कहा गया हो कि मेरे भाई जो पर कैपिटा यानी पर पर्सन जितना लोग शुगर खाते थे शुगर का बहुत बढ़ गया भाई शुगर खाने का अगर मान लो डिमांड बढ़ गया ये सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहा है तो आप बाहर से मंगाओगे दूसरा क्या कह रहे मैनी ऑफ द फैक्ट्रीज आर नॉट इन अ पोजिशन टू प्रोड्यूस शुगर टू देयर फुलस्ट कैपेसिटी कई सारी फैक्ट्रीज जो हैं, वो उस पोजिशन में नहीं है कि भैया अपनी फुल कैपेसिटी में वो शुगर प्रोड्यूस कर पाए तो ये आपको दो अजम्पन दिए हैं अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए जरा बुक क्या कहती है बुक ने क्या कहा सल्यूशन क्लियरली द नीड टू इंपोर्ट शुगर कुड बी ईदर ड्यू टू इंक्रीजिंग कंजन और इन एफिशियंसी ऑफ द फैक्ट्री टू प्रोड्यूस शुगर सो आई द फर्स्ट एंड सेकेंड इज सो आंसर इज सी ध्यान से देखिए क्या कह रहा है भाई वो ये क्लियर कह रहा है कि इंपोर्ट करवाने की जरूरत या तो इस कारण से पड़ी हमें कि भैया जो आ, लोगों की डिमांड है यानी कि जो लोगों का कंजम्पशन है वो बढ़ गया या फिर जो आपके पास फैक्ट्रीज हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर रही हैं सो या तो ये है या ये है इसको क्या कहते हैं दोस्तों इसको कहते हैं आइदर और सिचुएशन दोस्तों एजम्शन में आइदर और सिचुएशन के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं चीज को आराम से समझिएगा देखिए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर छे ये भी बैंक पीओ प्रीवियस ईयर में आ चुका है देखिएगा क्या कह रहा है यूज ऑफ सेल फोन एंड पेजर्स इज नॉट अलाउड इन साइड द ऑडिटोरियम ऑडिटोरियम में सेल फोन और पेजर्स अलाउड नहीं है प्लीज स्विच ऑफ सच डिवाइसिस वाइल यू आर इन साइड द ऑडिटोरियम अगर आप ऑडिटोरियम के अंदर हैं तो कृपया इनको एक बार के लिए स्विच ऑफ कर दीजिएगा ऐसा एक नोटिस है तो आप सोचिए जरा नोटिस लगाने के पीछे का अजम्पशन क्या रहा होगा ऑल दोस हु हैव सच डिवाइसेस विल स्विच देम ऑफ बिफोर दैट टेक देयर सीट सिंपल सी बात है भैया मैंने कोई ऑर्डर दिया है ऑर्डर दिया ही इसलिए है कि वो फॉलो किया जाए सिंपल ऐसा क्यों सोचें कि ये फॉलो नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा है स्विच ऑफ कर दीजिएगा दैट मींस कर दीजिएगा और लोग कर देंगे यानी पहला वाला अजम्पशन राइट है दूसरा जनरली पीपल डू नॉट ब्रिंग सच डिवाइस इन तौर पे लोग इस तरह के डिवाइस नहीं लेकर आते जब वो इस तरह के attend करते हैं ऑडिटोरियम में दोस्तों सोचो जरा कि अगर वो लोग नहीं लेकर आते होते तो मुझे इस बात की पड़ी नहीं होती कि भैया स्विच ऑफ करो तो स्विच ऑफ करो कि नहीं पड़ी होती तो मैं नोटिस नहीं निकालता लोग लाते हैं तभी तो इस तरह का नोटिस देने की जरूरत पड़ती है यानी कि ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा यानी ओनली फर्स्ट राइट हो जाएगा आप देख सकते हैं यही इसका आंसर है ओनली फर्स्ट चलिए आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या कह रहे हैं हम लोग एक और एग्जाम्पल है दोस्तों एग्जाम्पल नंबर एट है यहां पे क्वेश्चन का ध्यान से देखेगा ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि रेलवे इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्टीन रनिंग ट्रेन्स रेलवे ऑफिशियल्स ने क्या किया है दस नई ट्रेनें शुरू करी है और फोर्टीन चौदह जो रनिंग में थी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है दिन में दस की जगह बारह बार जाती है या ऐसा कुछ भी जो भी है हफ्ते में सारे दिन जाती है बढ़े सो कुल मिला के ऐसा कहा जा रहा है कि दस नई ट्रेनें आ रही है और चौदह ट्रेन भी यानी फोर्टीन ट्रेन भी जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया गया तो अब पीछे का एजम्पन क्या है क्या सोच के ऐसा किया एग्जिस्टिंग ट्रेन आर नॉट sufficient टू प्रोवाइड अकोमोडेशन टू ऑल पैसेंजर बिल्कुल सही बात है भाई। जो ये existing trains है ना ये सफिशियंट नहीं है पर्याप्त नहीं है भाई पर्याप्त नहीं है तभी तो और ट्रेनों की जरूरत पड़ी पर्याप्त होती तो और ट्रेन क्यों लगाते बताइए जरा नुकसान के लिए थोड़ी तो पहला वाला सही है द न्यू एंड एडिशनल ट्रेन वुड बी इकोनॉमिकली वायबल बिल्कुल दो चीजें बोल रहा है दोस्तों ये जो नई और एडिशनल ट्रेन लगाई गई हैं जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई हैं ये सफिशियंट रहेंगी सो so, इनको सफिशियंट पैसेंजर्स मिलेंगे सो दैट ये इकोनॉमिकली वायबल भी होगी फिजिबल भी होगी पैसे से नहीं टूटेंगे हम लॉस में नहीं जाएंगे हम दोस्तों आप देखिए जरा क्लियर नंबर लिखा है टेन एंड फोर्टीन यानी बहुत सारी प्लानिंग करके बहुत सारी कैलकुलेशन करके ही इसे लाया गया होगा यानी कि ये बात कंफर्म है कि बाद में सफिशियंट संख्या में पैसेंजर्स मिलेंगे और ये नुकसान में नहीं जाएगा यानी कि दोनों ही अजम्पन राइट right है इस स्टेटमेंट को कहने के लिए तो दोस्तों इसी तरीके से हम देखते जा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं अब हम एग्जाम्पल के बाद सीधा लिए चलते हैं एक्सरसाइज पे दोस्तों पहली एक्सरसाइज है थ्री यानी फर्स्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की आराम से देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं यहां में लेके दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर सबसे पहले रिसेंट इन्वेस्टमेंट इन द शेयर ऑफ कंपनी ए इज ओनली अ गैम्बल ये कह रहा है कि उसने जो हाल ही में कंपनी ए के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किए वो तो सिर्फ गैम्बल है दोस्तों गैम्बल का मतलब होता है जुआ जुआ होती है बहुत बड़ी रिस्क तो ये कहना क्या चाह रहा है ही मे इनकर लॉस ऑन हिस्स इन्वेस्टमेंट उसके इन्वेस्टमेंट में उसे लॉस हो सकता है शायद हो सकता है गैम्बल है जुआ है ही मे गेन फ्रॉम हिस्स इन्वेस्टमेंट उसको हो सकता है कि गेन मिल जाए यानी कि वो प्रॉफिट में आ जाए देखिए दोनों दोस्त दोस्तों दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं। अगर गेन हुआ तो लॉस नहीं होगा लॉस हुआ तो गेन नहीं होगा यानी ऐसा लग रहा है गैम्बल वर्ड लिखने के कारण आप ये कंफर्म नहीं कह सकते लॉस भी हो सकता है शेयर भी गेन भी हो सकता है यानी यहां पे आइदर और वाली सिचुएशन लगेगी यानी क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर आ जाएगा फॉर कैट चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों एस बी आई पी ओ का ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन है एक्सरसाइज वही थ्री ए आपकी चल रही है ये स्टेटमेंट कह रहा था प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड ऑल द द टीचर्स टू बी केयरफुल इन क्लास बिकॉज सम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स डिस्टर्ब अदर प्रिंसिपल ने बहुत क्लियर कहा है कि भैया सारे टीचर्स को ध्यान रखना है केयरफुल रहना है क्लास में क्योंकि कुछ विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं नुकसान तो नहीं पर डिस्टर्ब तो कर ही सकते हैं परेशान कर सकते हैं पहला अजम्पन कह रहा है द टीचर्स विल हैंडल द सिचुएशन प्रॉपरली जो टीचर्स हैं वो हैंडल करेंगे सिचुएशन को प्रॉपरली एंड दे विल पॉइंट आउट द नोटिस स्टूडेंट्स और जो नटखट विद्यार्थी हैं उनको पॉइंट आउट करेंगे दोस्तों एक्चुअली प्रिंसिपल का यही तो मायना था प्रिंसिपल ने ऐसा ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन क्यों दिया इसीलिए तो दिया और सेकेंड कह रहा है द स्टूडेंट विल वेलकम द डिसीजन ऑफ द प्रिंसिपल स्टूडेंट जितने भी हैं वो इस प्रिंसिपल के ऑर्डर को यानी डिसीजन को वेलकम करेंगे बिल्कुल करेंगे दोस्तों क्यों नहीं करेंगे पहली बात तो वो प्रिंसिपल ने दिया और दूसरा वो एक्चुअली स्टूडेंट्स के फायदे का है जो नॉटी स्टूडेंट्स है ना वो अब परेशान नहीं करेंगे बाकी स्टूडेंट्स को यानी पहला भी सही है दूसरा भी सही है आंसर ई फॉर एलिफेंट हो जाएगा बोथ आर एम्प्लिसिट दोनों ही सही अजम्पन्स हैं इस स्टेटमेंट के पीछे चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नंबर लिए चलते हैं आपको। क्वेश्चन है, दोस्तों, वही है 3A. में शॉप्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर आर ऑफरिंग प्राइस एंड डिस्काउंट ऑन परचेज टू अटेंड कस्टमर अट्रैक्ट कस्टमर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बहुत सारे शॉप्स बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर जो हैं वो क्या कर रहे हैं वो बहुत सारे ऑफर्स दे रहे हैं डिस्काउंट्स दे रहे हैं प्राइजेस दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं उसके पीछे का अजम्पशन देखते हैं दोस्तों पहला अजम्पशन है द शॉप्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट सो नाउ दे हैव स्टार्टेड शेयरिंग विद द कस्टमर बड़ी अजीब बात है ना दोस्तों मैं अगर ज्यादा प्रॉफिट कमाने लग जाऊंगा तो मैं कस्टमर्स को शेयर करने लग जाऊंगा ऐसा तो आम तौर पे नहीं होता और उसमें भी वो लिखा हुआ है एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है टू अट्रैक्ट कस्टमर्स कस्टमर को अट्रैक्ट करना है यानी शायद वो अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे क्या कह रहा है लॉट्स ऑफ गुड्स आर अवेलेबल बट द सेल इज इज नॉट शूटिंग नो फॉर द कस्टमर्स यस भाई बहुत सारा माल पड़ा है बहुत सारा माल निकल नहीं रहा है उनको बेचना है कस्टमर ज्यादा आ नहीं रहे तो अट्रैक्ट करने के लिए क्या करोगे ऑफर दोगे तो एज पर द स्टेटमेंट अगर मैं जाता हूं स्टेटमेंट को मैं समझता हूं तो मुझे ये क्लियर समझ आता है कि ओनली सेकेंड उसका आंसर होगा सेकेंड क्यों क्योंकि वही तो एक बात कह रहा है तो आंसर हो जाएगा इसका बी फॉर बॉम्बे चलिए अगले क्वेश्चन पे लिए चलता हूं दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन चैप्टर वही है दोस्तों थ्री ए ध्यान से देखेगा प्लीज use नॉट यूज लिफ्ट down. गोइंग डाउन एन इंस्ट्रक्शन ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ अटोरी बिल्डिंग पांच मंजिला बिल्डिंग है और ये इंस्ट्रक्शन लिखा है कि बॉस अगर आपको नीचे जाना है अगर आपको डाउन जाना है तो आप लिफ्ट का प्रयोग नहीं करें अब सोचो जरा ये इंस्ट्रक्शन क्यों दिया होगा पहला वाइल गोइंग डाउन द लिफ्ट इज अनेबल टू कैरी एनी लोड जब वो नीचे जाती है या जब वो लिफ्ट नीचे जा रही है वो लोड कैरी नहीं कर सकती जरा सोचिए क्या ये पॉसिबल लग रहा है आपको क्या ये चीज संभव लग रही है आपको दोस्तों ये क्या कह रहा है जरा सोचिएगा ये कहना चाह रहा है कि भैया वही लेफ्ट जो बहुत सारे लोगों को ऊपर तो ला सकती है जिसमें प्रेशर ज्यादा लगता है नीचे ले जाने में अनेबल है मेरा तो मानना नहीं है मेरा मानना है दोस्तों पहला तो डेफिनेटली रॉन्ग कंक्लूजन है रॉन्ग अजम्पन है सेकेंड क्या कह रहा है प्रोविजन ऑफ लिफ्ट इज अ मैटर ऑफ फैसिलिटी एंड नॉट ऑफ राइट बिल्कुल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है ये आपके लिए फैसिलिटी है जो लिफ्ट दे रखी है ये आपका हक नहीं है अगर आप नीचे जाना चाह रहे हैं तो मेरे भाई आराम से सीढ़ियों से चले जाओ आपका फिजिकल हेल्थ भी बना रहेगा हाँ ऊपर जाना है थोड़ा चढ़ने में मुश्किल होता है तो आप लिफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं यानी सेकंड वाली बात फिर भी अजम्शन के अकॉर्डिंग लग रही है यानी ओनली सेकंड इज राइट आंसर फर्स्ट तो बिल्कुल अजीब हो गई बात चलिए दोस्तों लिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में ये लीजिए साहब अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है दोस्तों एस में आ रखा है क्वेश्चन और मैंने कहा आपको कि बैंकिंग और एस दोनों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं करवा रहा हूं अजामशन देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है इफ ही इज इंटेलिजेंट ही विल पास द एग्जामिनेशन अगर वो इंटेलिजेंट है तो एग्जामिनेशन पास कर लेगा ये स्टेटमेंट कह रहा है क्यों कहा जा रहा है जरा देखिएगा टू पास ही मस्ट बी इंटेलिजेंट अगर पास होना है उसको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा दोस्तों right है। दूसरा वाला कह रहा है एग्जामिनेशन वो एग्जाम पास कर लेगा दोस्तों ये अधूरी बात है स्टेटमेंट में कहीं ये नहीं कहा है कि वो एग्जाम पास कर लेगा वो तो एक कंडीशन बता रहा है अगर इंटेलिजेंट है तो पास कर लेगा क्लियर पास करेगा ऐसा नहीं कह रखा है यानी कि इसके पीछे जो अजम्पन है केवल पहला सही है इफ ओनली अजम्पन वन इज इम्प्लिसिट सेकेंड वाले के बारे में नहीं कहा जा सकता चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी एट इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्टी एट देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये कहना चाह रहा है दोस्तों अनश्योर गुड नाइट स्लीप

तो आपको यह देखना है उसका फोकस किस बात पर एड किस बात को फोकस कर रहे हैं देखते हैं में क्या कह रहा है एक्स मॉस्किटो कॉइल इज बेटर देन एनी अदर मॉस्किटो कॉइल एक्स मॉस्किटो कॉइल बाकी सभी से बेटर है दोस्तों हो सकता है जिसने भी एड बनाया होगा वो एड एक्स मॉस्किटो कॉइल से रिलेटेड पर्सन होगा यानी उसको तो यह लगता होगा कि यह सबसे बेहतर है इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन यह सबसे बेहतर है उसके लिए आपके पास स्टेटमेंट में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होना चाहिए स्टेटमेंट में आपको सपोर्ट करने के लिए कोई ऐसा एक बात होनी चाहिए जो कि नहीं है यानी पहले वाले अजम्शन को स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो नहीं कह सकते सेकंड क्या लिखा है अ गुड नाइट स्लीप इज़ डिजायरेबल एक अच्छी रात्रि की नींद इज डिजायरेबल यानी वांछनीय यानी लोगों को रात को सोना अच्छे से सोना बहुत जरूरी है पसंद है चाहिए दोस्तों पूरे एडवर्टीजमेंट का फोकस ही तो यही है कि भैया अगर अच्छी नींद चाहिए तो ये ले लो यानी उसके अनुसार जिसने ये दिया है लोगों को ये अच्छी नींद वाला फोकस जो है ये अट्रैक्ट करेगा यानी इसका ओनली सेकेंड राइट है थर्टी एट का आंसर हो जाएगा बीफ़ो बॉम्बे चलिए दोस्तों और हमें तो क्वेश्चन करने हैं अभी क्वेश्चन नंबर फोर्टी लेके आए हैं एक्सरसाइज वही है थ्री ए जरा देखिएगा बैंक पीओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्या कहना चाह रहा है देखिएगा द सिटी बस ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन इज ए एंड बी इन द सिटी टू मेक देम इकोनॉमिकली वाइबल एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है उसके बीच में तीन बसेस हैं और उन तीनों बसेस का टाइमिंग टाइमिंग नहीं बस का रूट जो है कुछ शफल किया गया है कुछ रीअरेंज किया गया है जिससे कि भैया आर्थिक सुदृढ़ता हो सके इकोनॉमिकली वबल हो सके पैसा नहीं टूटे यानी कि लॉस नहीं हो ऐसा ये कहना चाह रहा है तो अब उसके पीछे का क्या है पहला दीज बसेज में गेट मोर पैसेंजर ऑन द रिवाइज रूट अगर ये रूट रिवाइज होते हैं पुनः बनते हैं तो इस बार उनको एक्चुअली में पैसा मिले यानी कि नए पैसेंजर्स मिले यानी कि पहला वाला तो बिल्कुल सही है क्योंकि पैसेंजर ज्यादा मिलेंगे तभी पैसा आएगा उसने लिखा है लास्ट में इकोनॉमिकली वायबल बनाना है सेकेंड क्या कह रहा है मेनी पीपल रिसाइडिंग इन द ओल्ड रूट्स में नॉट अवेल बस सर्विसेज कई सारे लोग जो पुराने रूट पे रहते थे अब उनके लिए बस सर्विस नहीं मिलेगी सोचने में तो शायद लगता है कि सही हो लेकिन एक बात सोचिए जरा दोस्तों हमारे पास दो पॉइंट्स हैं और दो पॉइंट के बीच में तीन बसेस हैं तीन बसेस हैं इसका मतलब यह है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो हो सकता है कि वो सभी जो पुराने कस्टमर थे उनको भी मिल जाएगा यानी कि ऐसा कहा नहीं जा सकता यानी केवल पहला अजम्पन ही इंप्लीसिड है ओनली फर्स्ट ओनली फर्स्ट इज फर्स्टनिड चलिए आगे बढ़ना मेरा काम है दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है देखिएगा थ्री ए एक्सरसाइज चल रही है क्वेश्चन नंबर सेवन आ चुका है द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एज डिस प्राइमरी स्कूल टीचर्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अगले वित्तीय वर्ष में नेक्स्ट ईयर चार हजार नए प्राइमरी करने का राज्य सरकार यानी स्टेट ने सोचा है। सोचा होगा क्या रहा होगा पहला देर आर एनफ स्कूल फोर थाउजेंड एडिशनल प्राइमरी स्कूल टीचर सीधी सी बात है बेने भाई मैं कह रहा हूं चार हजार प्राइमरी टीचर्स चाहिए अब आप सोचो अगर ये एनफ स्कूल नहीं होगी तो टीचर्स का करेंगे क्या क्यों चाहिए वाला तो हंड्रेड परसेंट राइट है ये तो रहा ही होगा। भाई किसी ने अगर चार हजार की वैकेंसी निकाली है दैट मीन चार हजार सीटें तो खाली है ही यानी कि पहला वाला तो राइट हो गया दूसरा एलिजिबल कैंडिडेट्स में नॉट बी इंटरेस्टेड टू अपलाई एज द गवर्नमेंट में नॉट फाइनली अपॉइंट सच अ लार्ज नंबर ऑफ मैं अजीब बात कह रहा है मैं ये कह रहा हूं कि भैया चार हजार का रिक्रूटमेंट है दैट मेरे पास चार सीट्स अवेलेबल तो मैं ऐसा क्यों सोचूंगा तभी तो मैंने पोस्ट जारी करी है उल्टा ज्यादा लोग फिल करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमें तो आगे बढ़ना है एक और क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर ध्यान क्या कह रहा है दोस्तों रेल जर्नी जो हिल स्टेशन पे लेके जाती थी उसके कंसेशन को हमने हटा दिया है। हटा दिया ना क्यों हटा दिया वो ये कहना चाह रहा है कि भैया ये जो लोग वहां जाते हैं हॉलीडेज पे उनको इस कंसेशन की जरूरत नहीं है अब देखिए अजम्प्शन क्या कह रहा है पहला रेलवे शुड गिव कंसेशन ओनली टू नीडी पर्सन यस भाई हम ये क्लियर चीख-चीख कर स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि अब उनको जरूरत नहीं है इसलिए हटा दो यानी जरूरत जिनकी है उनको दो कंसेशन उन्हीं को मिलना चाहिए जिनकी जरूरत है यानी पहला वाला तो 100% राइट right हो गया सही है मेरे भाई दूसरा रेलवे शुड नॉट एनकरेज पीपल टू स्पेंड देयर एट हिल हिल स्टेशन अरे मेरे भाई हिल स्टेशन पे जाने को मना नहीं कर रहे कि भैया वहां पार्ट टूट पड़ेगा हम तो ये कह रहे हैं कि वहां जो कंसेशन दिया जा रहा था वो हटा दिया है बाकी जो लोग जा रहे हैं वो तो वैसे भी जाएंगे बिना कंसेशन के भी जाएंगे यानी सेकेंड वाला रॉन्ग है केवल पहला सही है इसका आंसर भी ए हो जाएगा तो दोस्तों यहां हमने कुछ क्वेश्चंस देखे अप्रोच को समझा को क्वेश्चन को करने के लिए कौन सा दिमाग में सेट करना रहता है ये हमारा पहला एक्सरसाइज पूरा हो जाता है अगली एक्सरसाइज में सिमिलर फैशन में चलेंगे कुछ और करेंगे और चीजों को समझेंगे तो लिए चलते हैं दोस्तों अगली एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ एक्सरसाइज थ्री बी में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है देखिए दोस्तों का पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज थ्री बी पे आ चुके हैं हम लोग प्रोडक्ट एक्स दैट यू में पूछा गया प्रीवियस ये कहना चाह रहा है एक कस्टमर को ऐसा कहा गया मेरे भाई आप जो प्रोडक्ट एक्स चाह रहे हो वो अभी तो नहीं है लेकिन अवेलेबल किया जा सकता है अगर तुम फर्म ऑर्डर दे रहे हो अगर ऑर्डर होगा ऑर्डर के अगेंस्ट काम हो जाएगा चलिए देखते हैं दोस्तों अजम्पन क्या है इसके नंबर पहला ये है कि द प्रोडक्ट एक्स इज नॉट अ ग्रेट डिमांड प्रोडक्ट एक्स डिमांड में नहीं है बात तो सही लग रही है बात दो कारण से सही लग रही है पहली बात तो वो आउट ऑफ स्टॉक है डिमांड में होता तो फटाफट फटाफट आता अच्छा कई बार क्या होता है डिमांड में भी होता है ना तो भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है क्योंकि जैसे ही आता है आगे खत्म हो जाता है आता है और खत्म हो जाता है लेकिन ऑन द सेकेंड हैंड जिसने लाइन क्या बोली है अगर आपने देखी हो अगर आप फर्म ऑर्डर देंगे तो आगे और मंगाएंगे डिमांड में होता तो ऐसा नहीं मंगाते बोलते भैया कल आ रहा है लेके चले जाना नहीं तो वो भी चला जाएगा यानी मुझे लगता है दोस्तों पहला वाला तो बिल्कुल राइट है दूसरा कह रहा है प्रोडक्ट एक्स इज इज आउट ऑफ स्टॉक एज न्यू मॉडल कमिंग अप इसके बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है हमें कैसे पता चलेगा कि नया मॉडल आ रहा है नहीं आ रहा है और स्टेटमेंट में ऐसा कोई लेने देना नहीं है सो so, सेकंड वाला डेफिनेटली गलत है पहला वाला डेफिनेटली राइट है आंसर हो जाएगा इसका ए चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट लेके आया हूं मैं आपके लिए एक्सरसाइज वही है दोस्तों थ्री बी क्या कह रहा देखिएगा इफ यू वॉन्ट टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क प्रोवाइड इंडिपेंडेंट कैबिन अगर तुम्हें समय पर काम चाहिए तो हमें भैया इंडिपेंडेंट कैबिन दीजिए स्वतंत्र कैबिन दीजिए अलग से कैबिन दे दीजिए ऐसा कौन कह रहा है एक एम्प्लॉई कह रहा है अपने डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को कंपनी के डायरेक्टर को बोल रहा है भैया ऐसा कर लो अब ऐसा क्यों कह रहा है उसके पीछे का नहीं है पर्याप्त कैबिन नहीं है और दूसरी बात कह रहा है अदर्स प्रेजेंडर्स टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क दूसरों का जो उपस्थिति है वो टाइमली कंप्लीशन पे हिंडरेंस डालती है रुकावट डालती है बीच में कुछ रोड़ा अटकाती है दोस्तों ये तो कंफर्म है कि सेकंड तो राइट right ही होगा सेकंड को तो राइट right होना पड़ेगा क्योंकि वो यही तो कह रहा है अगर समय पे काम चाहिए तो हमें अलग से कैबिन दे दो अलग से कैबिन क्यों मांग रहा है क्योंकि वहां किसी के साथ होते हैं साथ होते हैं तो फिर समय पर काम नहीं हो पाता है यानी सेकंड तो हंड्रेड परसेंट राइट है अब बात करते हैं पहले की क्या यह पहला वाला सही है तो दोस्तों ये भी यहां से क्लियर हो जाता है कि आपको कहा है देर आर नॉट एनफ कैबिन नहीं है तभी तो उसने कहा है कि भैया अलग से कैबिन दीजिए मुझे यानी कि दोनों ही अपनी जगह पे सही हैं फर्स्ट भी राइट है सेकंड भी राइट है इसका आंसर हो जाता है ई चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन लेके आए हैं हम लोग ये है बी में से अ विजिट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन टू फॉरेस्ट टू वाइडन देयर नॉलेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैज बीन अरेंज्ड अरेंज किया गया है क्या अरेंज किया गया है दोस्तों आप देखिए अ विजिट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उन सभी का एक विजिट अरेंज किया गया है एक फॉरेस्ट में टू वाइडन वाइडन यानी विस्तार देने के लिए बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाने के लिए उनके नॉलेज को किस चीज का नॉलेज किस चीज का ज्ञान नेचुरल रिसोर्सेस का सो बच्चों के नेचुरल रिसोर्सेस के ज्ञान को और बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट का ट्रिप रखा गया फॉरेस्ट का विजिट रखा गया ऐसा कौन कह रहा है नोटिस इन द स्कूल स्कूल का एक नोटिस ऐसा कह रहा है तो अब समझना है कि इस नोटिस के पीछे क्या आजम्शन है क्यों ऐसा नोटिस दिया गया पहला कह रहा है फॉरेस्ट आर फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दोस्तों डेफिनेटली राइट होगा भाई अगर हम नेचुरल रिसोर्सेस के ज्ञान को बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट जा रहे हैं दैट मीन्स फॉरेस्ट में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं यानी फर्स्ट वाला तो डेफिनेटली राइट है सेकंड वाले को चेक करते हैं दोस्तों चिल्ड्रन आर लाइकली टू लर्न फ्रॉम देयर इंटरेक्शन विद न्यू एनवायरमेंट बच्चे जो हैं सीखते हैं नए एनवायरमेंट के इंटरेक्शन से दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है जितना ज्यादा नए एनवायरमेंट से इंटरेक्शन होगा बातचीत होगी चीजें समझेंगे वो डेफिनेटली उनको नया नॉलेज मिलता जाएगा नॉलेज में एनहांसमेंट मिलता जाएगा लर्न करेंगे बहुत सारी चीजें सो so, मैं मानता हूं दोस्तों दोनों ही अपने आप में करेक्ट है अगेन आंसर इज ई इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर एम्पल आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन है थर्टी नंबर का वही है 39, है क्वेश्चन नंबर देखिए क्या रहा प्रोग्राम विल एट बट लेकिन तुम अगर चाहो तो सात बजे के आसपास आ सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसा ए ने बी से कहा होगा क्यों कहा होगा ए का क्या रहा होगा देखते हैं दोस्तों द प्रोग्राम विल इवन आफ्टर सेवन पी एम प्रोग्राम सात बजे के बाद भी चलेगा यस yes. दोस्तों तभी तो उसने कहा है तुम सात बजे के आसपास आओगे तो भी चलेगा क्यों क्योंकि क्यों, क्यों, प्रोग्राम सात बजे तक भी चलेगा यानी पहला वाला अजम्शन तो हंड्रेड परसेंट राइट है दूसरा अजम्पन कह रहा है द प्रोग्राम में नॉट इवन स्टार्ट बाय टाइम प्रोग्राम उस समय तक शुरू भी ना हो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि स्टेटमेंट में बहुत क्लियरली गिवन है प्रोग्राम छह बजे शुरू होगा तुम सात बजे तक आ जाना फलाना 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 यानी सेकंड वाला तो स्टेटमेंट के विरुद्ध जा रहा है जो कि बिल्कुल ही गलत है यानी कुल मिला के हमारा ओनली फर्स्ट राइट है ओनली फर्स्ट राइट के लिए आंसर आ जाता है ए चलिए आगे लिए चलता हूं क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों इस बुक का अच्छे से अच्छा क्वेश्चन हम लोग यहां पर कर रहे हैं हम चाहते हैं कोई क्वेश्चन मिस ना हो समय पर आपका वीडियो बने

to augment its tax collection augment यानी बढ़ाना टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए तो टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है अजम्पशन क्या है दोस्तों देखते हैं अजम्पशन पहला है पीपल में स्टिल कंटिन्यू टू कीप मनी इन स्मॉल सेविंग्स स्कीम एंड आल्सो पे टैक्सेस जब ये हटाने का सोचा होगा सरकार ने तो सरकार ने ये सोचा होगा हटाने के बाद भी लोग फिर भी वहां पे पे करते रहें स्मॉल सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते रहें और टैक्स पे करते रहे ये सारी चीजें उन्होंने डेफिनेटली सोची होगी और चूंकि ये सोची होगी इसलिए ये फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा ऐसा नहीं होता तो वो फेज मैनर में उसको हटाने की बात नहीं सोचता दूसरा कह रहा है द टोटल टैक्स कलेक्शन में इंक्रीज सब्सटैंशरी अंततः क्या हो या धीरे धीरे क्या हो या अच्छे से क्या हो फाइनली जो टैक्स कलेक्शन है वो इंक्रीज हो जाए दोस्तों क्वेश्चन में भी ये क्लियर दे रखा है कि उसको टैक्स कलेक्शन को ऑगमेंट करना है Augment, मतलब इंक्रीज करना है बढ़ाना है सो डेफिनेटली सेकेंड भी राइट right है सो so right right e दोस्तों वही एक्सरसाइज है इस बार और क्वेश्चन आ चुके हैं चिल्ड्रन गेट एनकरेजमेंट यूजुअली परफॉर्म बेटर बच्चे जिन्हें प्रोत्साहन मिलता है एनकरेजमेंट मिलता है वो बेहतर परफॉर्म करते हैं अ नोट बाय द प्रिंसिपल टू द पेरेंट्स पेरेंट्स को एक नोट लिखा गया प्रिंसिपल के द्वारा अब नोट लिखा गया या बताया गया कुल मिला के प्रिंसिपल ने पेरेंट्स से कहा कि भैया बच्चों को अगर आप प्रोत्साहन दोगे तो वो बेहतर परफॉर्म करेंगे क्यों कहा गया होगा ऐसा या क्या ऐसा रीजन रहा होगा जरा समझते हैं हम देखते हैं पहला कह रहा है सम पेरेंट्स डू नॉट एनकरेज चिल्ड्रन कुछ माँ बाप कुछ माता पिता अपने बच्चों को एनकरेज नहीं करते दोस्तों ये बात सही होगी अगर वो एनकरेज खुद से कर रहे होते तो प्रिंसिपल को बोलने की कहां जरूरत थी प्रिंसिपल को बोलने की जरूरत पड़ी उसका मतलब बहुत सिंपल है कि प्रिंसिपल के अनुसार ये अजम्पन है कि वहां माता पिता जो हैं वो एनकरेज नहीं कर रहे सेकंड देखिए पेरेंट्स में फॉलो प्रिंसिपल्स एडवाइस पेरेंट्स प्रिंसिपल की एडवाइस को फॉलो करेंगे दोस्तों तो करना ही पड़ेगा उन्हें क्यों करना पड़ेगा क्योंकि जब भी कोई एडवाइस देता है जब भी कोई सलाह देता है उसके पीछे का होता है कि मेरी सलाह मानेगा Actually में माने चाहे ना माने प्रैक्टिकली क्या होने वाला है उसकी बात नहीं कर रहे. प्रिडिक्शन हम नहीं कर रहे हम तो एक बहुत basic बात कर रहे हैं कि जब भी मैं एडवाइस दूंगा मेरा अजम्पन होगा एडवाइस मानी जाएगी जब भी मैं कोई तरह की सलाह दूंगा मैं ये डेफिनेटली मानूंगा कि ये सलाह मानी जाने वाली है क्या ये बात समझ आ रही है अगर आ रही है मुझे भाई तो आगे बढ़ो ना आगे बढ़ो एक्सरसाइज थ्री सी आ चुकी है दोस्तों हम बहुत आराम से एक एक क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से समय देते हुए एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं अगली एक्सरसाइज पे आ चुके हैं चैप्टर चल रहा है और मैं पक्का मानता हूं दोस्तों अब तक अप्रोच आपकी सही हो चुकी होगी अप्रोच आपको समझ आ गई होगी कि एग्जाम में अप्रोच कौन सी अपनानी है कैसी अपनानी है आखिरी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे हो सकता है पैटर्न कुछ अलग हो

मिस्टर ए ने क्लर्क को क्या बताया कि भैया इस पैकेट को मिस्टर एक्स को दे देना अपने घर में अपने रेजिडेंस में एंड रिटर्न और वापस से आ जाना इन केस यू आर लाइकली टू बी लेट अगर तुम लेट हो रहे हो तो मेरे को इन्फॉर्म कर देना अब देखिएगा अभी तक दो दो आ रहे थे अब यहां पे तीन या चार या पांच आ जाएंगे देखते हैं क्या कह रहा है द क्लर्क नेवर इन्फॉर्म्स अबाउट इज लेट कमिंग क्लर्क कभी भी लेट आने की बात नहीं बताता है देखिए दोस्तों वो बताता ही नहीं है ऐसा तो हम अभी अज्यूम नहीं कर सकते हां ये कर सकते हैं कि हां मैं उसे याद दिला रहा हूं कि अगर तुम लेट हो जाओ तो बता देना इसका यह मतलब नहीं कि कभी भी नहीं बताता कभी भी नहीं बताना एकदम एक्सट्रीम केस हो जाएगा अजम्पन के लिए तो वो राइट नहीं कर सकते हम सेकंड कह रहा है द क्लर्क मे नॉट ओबे मिस्टर एज इंस्ट्रक्शन पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों ये वाला अजम्पन कभी राइट नहीं होगा अगर कोई इंस्ट्रक्शन दिया है अजम्पन में यही है वो फॉलो होना ही है एक्चुअली की नहीं अजमशन की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट सेकेंड दोनों ही गलत हो जाते हैं तीसरा कह रहा है द क्लर्क मे नॉट इंफॉर्म इज लेट कमिंग अनलेस इंस्ट्रक्टेड अगर क्लर्क को इन्फॉर्म अगर क्लर्क को इंस्ट्रक्टेड नहीं किया हमने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हमने तो वो इन्फॉर्म नहीं करेगा मतलब ऐसा शायद है कि अगर अगर मैंने ऐसा नहीं कहा होता तो वो भूल जाता इसलिए मैंने कहा यानी थर्ड वाला डेफिनेटली राइट right है यानी मुझे लगता है फर्स्ट सेकंड थर्ड में ओनली थर्ड राइट है और देखिए हमारे पास ऑप्शन भी है ओनली थर्ड राइट क्योंकि फर्स्ट एक्सट्रीम हो गया सेकंड तो पॉसिबल ही नहीं है और थर्ड राइट right लग रहा है कि अगर उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया तो वो भूल सकता है यानी ओनली थर्ड राइट आंसर इज डी फॉर जेली तो अब आपको समझ आया कि अप्रोच क्या रखनी है और अप्रोच के साथ साथ जब मल्टीपल क्वेश्चन आए तो क्या ध्यान देना है और कुछ क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे लिए चलता हूं मैं

इस कंपनी का वर्क एनवायरमेंट अच्छा नहीं है दूसरे वाले का अच्छा होगा ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते क्यों क्योंकि स्टेटमेंट में क्लियर लिखा है प्रेजेंट सैलरी को मैनेज नहीं कर पा रहा है मैनेज सैलरी में नहीं कर पा रहा है सैलरी कम है एनवायरमेंट की बात नहीं की पहला वाला गलत हो जाएगा द प्रेजेंट कंपनी ऑफर्स मॉडरेट पे पैकेज जो अभी है वो मॉडरेट देता है हमें इसे बेटर चाहिए यानी ये अजम्पन हो सकता है राइट right? तीसरा द न्यू कंपनी ऑफर्स हायर सैलरी टू ऑल इट्स एम्प्लॉय ये ऑल इट्स कहां से आ गया मेरे भाई अरुण को सैलरी अच्छी ऑफर करी है दैट मीन कि वो सभी को देता है सेकंड वाला कह सकते हैं कि अभी मॉडरेट है हमें बेटर चाहिए इसलिए हम स्विच कर रहे हैं मेरा मानना है ओनली सेकंड करेक्ट होगा जरा देखें ऐसा कोई ऑप्शन है बिल्कुल है सेकंड में ही बी का ऑप्शन है कि ओनली सेकंड इज इंप्लीमेंट भाई आपको भी तो समझ में आना चाहिए ना ऐसी थोड़ी कह देंगे हरेक को देता है क्या यह बात समझ आ रही है

सेकेंड कह रहा है सिटी लिमिट फॉर दिस फैक्ट्री यस भैया मैं कह रहा हूं तुम बाहर चले जाओ बाहर तुम फैक्ट्री लगा लो लेकिन बाहर जगह ही नहीं है तो जाओगे कैसे ये तो अजम्पशन पहले से ही इनहिबिट है इन 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 इम्प्लिसिट है कि मेरे भाई बाहर एरिया में आपके लिए प्रॉपर जगह है तीसरा क्या कह रहा है वो देखना है मेनी ऑफ द फैक्ट्रीज में शिफ्ट टू सम अदर स्मॉलर टाउन रिमेन प्रॉफिटेबल वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे दोस्तों ये प्रिडिक्शन है हमें अजम्शन की बात करनी है सिविक अथॉरिटी ने अगर ये डिसीजन लिया है तो क्या सोच के लिया है तो सी यानी थर्ड वाले के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते फर्स्ट और सेकंड तो आपको भी समझ आ रहा होगा कि राइट right है यानी ओनली फर्स्ट एंड सेकंड का ऑप्शन है बी फॉर बॉम्बे वही सही आंसर है चलिए दोस्तों लिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे ये लीजिए साहब अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दोस्तों ट्वेंटी फोर नंबर का है एक्सरसाइज वही है थ्री सी देखते हैं क्या कह रहा है ये इफ यू आर इंटेलिजेंट वी आर द राइट पीपल फॉर इंप्रूविंग योर परफॉर्मेंस अगर तुम समझदार व्यक्ति हो हम एकदम सही व्यक्ति हैं जो तुम्हें इंप्रूवमेंट दे सकते हैं बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं एन एडवर्टीजमेंट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ऐसा एडवर्टीजमेंट दिया है कि अगर आप इंटेलिजेंट हो तो बॉस यही सही प्लेस है क्यों उसने कहा अब देखो एडवर्टीजमेंट का सबसे बड़ा कैच आपको यह ध्यान रखना है एडवर्टीजमेंट पढ़ने वाले की नजर से नहीं देखना है एडवर्टीजमेंट देने वाले की नजर से देखना है क्या कह रहा है ये ब्रिलियंट प्रेफर टू कोचिंग क्लासेस यस मेरा तो मानना ही होगा ना भाई मैं एक कोचिंग क्लासेस चलाता हूं तो मैं ये डेफिनेटली मानूंगा कि मैंने जो सोचा है ब्रिलियंट पीपल इंटेलिजेंट पीपल कोचिंग आएंगे तभी तो मैंने एड दिया है उनको फोकस करते हुए पहला वाला बिल्कुल सही है कोचिंग क्लासेस हेल्प द स्टूडेंट्स टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस यस दोस्तों कोचिंग क्लास वाला ये कैसे सोच लेगा या कैसे अज्यूम कर लेगा कि हम हेल्प नहीं कर सकते हंड्रेड परसेंट हेल्प कर सकते हैं तभी तो ये है है और तभी उसने दिया है। तीसरा नो अदर प्रोवाइड सच कोचिंग दूसरा कोई यहूट ऐसा प्रोवाइड नहीं करता दूसरे किसी की बात को इस एड देने वाले ने क्यों सोचा होगा ऐसा कोई लिखा होता या तो हम एकमात्र ऐसी संस्था है जैसा काम करती हैं बिल्कुल भी निरर्थक है बेकार है काम का नहीं है केवल मात्र फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड देखिए पहला ऑप्शन ही है ये ए यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड आर चलिए और आगे लिए चलता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे लिए चलता हूं एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्टी है आपके लिए एक्साइज वही है थ्री सी देखते हैं ये क्या कह रहा है ये कह रहा है दोस्तों इफ यू आर ब्यूटीफुल कैच यूर ब्यूटी इफ यू आर नॉट विल मेक यू ब्यूटीफुल बड़ी अजीब सी बात है अगर तुम सुंदर हो तो मैं तुम्हारी सुंदरता कैच कर लूंगा अगर सुंदर नहीं हो तो फिर बना भी दूंगा कौन कह रहा? फोटो वाले ने कहा है भैया। वाले वाले ने कहा है। तो से कुछ भी कर सकते हैं हम देखते हैं क्या कह रहा है? पहला, कैसे सुंदर दिखना है यह एक प्रॉब्लम है यंगस्टर्स की प्रॉब्लम की तो कोई बात कर नहीं रहा है लेकिन यंगस्टर की भी बात नहीं कर रहा है उसने एडवर्टीजमेंट में कहीं यंगस्टर्स के बारे में बात करी क्या उसने स्पेसिफिक यंगस्टर्स को टारगेट किया नहीं तो फिर हम यंगस्टर्स की बात कैसे कर सकते हैं हो सकता है आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उन्हें कंसर्न होगा कि हमें ब्यूटीफुल दिखना है बट उसका इस एडवर्टीजमेंट से कोई लेना देना नहीं है एडवर्टीजमेंट तो जनरल का है सभी के लिए का है जो मान लो पचास साल का भी है जो यंगस्टर नहीं है और अपने आप को यंगस्टर मान रहा है तो वो कर सकता है यानी पहला वाला तो बहुत इंप्रेसिव नहीं है अब फोटोग्राफ कैन बी ब्यूटीफुल इवन इफ अ पर्सन इज नॉट अगर इंसान ब्यूटीफुल नहीं है तो भी फोटोग्राफ ब्यूटीफुल हो सकता है दोस्तों एडवर्टीजमेंट यही तो कह रहा है अगर तुम ब्यूटीफुल नहीं है तो बना देंगे तुम आ तो जाओ क्या ये बात समझ आ रही है तीसरा लोगों को ब्यूटीफुल दिखना अच्छा लगता है दोस्तों एड यही तो कह रहा है अगर आप ब्यूटीफुल हो तो हम कैच कर लेंगे नहीं हो तो बना देंगे यानी लोगों को ये ब्यूटीफुल दिखने की अच्छी बात लग रही है पूरा एडवर्टीजमेंट ब्यूटीफुल पे तो ही कह रहा है क्या यह बात समझ आ रही है यानी कुल मिला के सेकेंड एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट ऐसा ऑप्शन है बी बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर हो जाएगा तो दोस्तों यहां हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं बट मेरा मानना है दोस्तों एक लिमिटेड क्वेश्चंस का एक वीडियो जिसमें आपको बेसिक समझ में आ जाए कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स के साथ हो जाए तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे यह चैप्टर कैसा है आपको कुछ भी नहीं करना है अब जाके सिर्फ एक काम करना है बुक खोलना है बुक में जितने सारे क्वेश्चन है लगा डालिए हर एक के साथ उस सोल्यूशन दे रखा है उन सोल्यूशन को पढ़ लीजिए पहली और दूसरी बात मैं बता चुका हूं वीडियो को और अच्छे से प्रोपेगेट करना प्रोपेगेट करना भी आप ही का काम है ज्यादा से ज्यादा जगह इसे शेयर कर लीजिए बहुत आगे से इसे पहुंचा दीजिए जिससे कि हम बहुत जल्दी ज्यादातर लोगों तक पहुंच जाए और आपका ये जो प्यारा चैनल है ये और ज्यादा प्यारा हो जाए कोई चीज आपको अच्छी लगी और आप अपने मित्र को शेयर नहीं करो कैसे हो सकता है तो जरूर शेयर करें आगे से आगे अगर आपके मित्र ने ये वीडियो शेयर किया है तो सब्सक्राइब करने में देरी ना कीजिए अभी सब्सक्राइब कीजिए आइकन को प्रेस कर लीजिए थैंक यू एंड टेक केयर